आप ही, तुम अब्बा के सामने जवाब देने के बजाय चुप भी तो रह सकती थी, कितना हर्ट हुए हैं वो। अब कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? अल्लाह ने माँ बाप के सामने उफ कहने से भी मना किया है, और तुम कैसे वापस चिल्ला रही थी उन पे? ऐसा करो, कोई हद भी जारी कर दो, फतवा भी लगवा दो मुझ पे। क्या तो सच कहना भी गुनाह है। तुम वाकई इतनी बेहस हो गई फिर बेजमीर? तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं कि अब्बा को कितना दुख हो तुम्हारी बातों पर और तुम्हारी यूं ही जाने पर? मुझे ज्यादा गलती फील मत करवाओ। शादी कर देंगे, क्यों कर देंगे शादी? काश तुम्हें इन बातों का जल्दी एहसास हो जाए, वरना बहुत देर हो जाएगी। मेरा सर पहले ही दुख रहा है, तुम और मत खाओ इसे। तुम मुझे गलत समझते हैं। अभी अगर आज के बाद तुमने अब्बा के सामने जबान चलाई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम पहले कौन सा अच्छी थी? उनके बेजा फेवर कर करके उन्हें मेरे खिलाफ कर दिया तुमने। क्या क्या कहा तुमने? मेरी वजह से नहीं, वो तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हारे खिलाफ हो रहे हैं। जो कुछ तुम करती हो ना, कभी उस पर भी गौर कर। घटिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे कॉल करने की? मुझे सारी दुनिया में रुसवा करके मुझे कॉल कर रही हो तुम? अनम अनम प्लीज मेरी बात सुनो। बकवास बंद करो, मैं मर गई तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए। आइंदा मुझे कॉल मत करना, जहन्नुम में जाओ तुम। इख्तियार दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी शादी किसी से भी करा दें। मुझे इतनी सी गलती कि आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दिया। पहले मेरी तालियां चुरा दी, अब मेरी शादी करना चाहते हैं। किसी जाहिल के वास्ते शादी करने के बोलेंगे कि तुम्हारे लिए यही बेहतर था। अब्बा, ये जुल्म मैं अपने साथ नहीं होने दूंगी। अनम के अंदर कितना जहर भर गया है। जिंदगी के इतने साल गुजारने के बावजूद भी उसे अंदाजा नहीं हुआ कि उसका बाप कैसा इंसान है। अनम बहुत खुदसर और सिद्धि होती जा रही है। आज इसने मेरे फैसले से इनकार किया, कल को वो बागी होकर घर से ही ना भाग जाए। उसकी सहेली अंबर ने भी ऐसे ही किया। या अल्लाह, या अल्लाह, मुझे ये दिन न दिखा। मैं अपनी इतनी रसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अनम के अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह चुभने लगे। तो आप मुझे सुबह ना रोकते तो मैंने उन्हें अस्पताल पहुंचाना। अरे बेटा, गुस्सा ठंडा करो, रात गई बात गई, चलो पानी पियो, रिलैक्स हो जाओ। चाचा आप बता, मैं गलत था? बेटा तुम बिल्कुल गलत नहीं थे। कि जब उन लोगों ने तुम्हारी बात का बुरा मनाया तो फिर क्या जरूरत थी उनसे उलझने की? तो क्या कोई किसी के बारे में गलत बात करे उसे रोका ना जाए? बेटा क्योंकि लोग हक और सच को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। लेकिन चाचा मैं ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करूँ। बेटा फिर वो तुम्हारे दुश्मन हो के तुम्हें इस इलाके से निकाल देंगे। तो फिर क्या हो? ये इलाका नहीं तो कोई और इलाका से। लेकिन मैं ऐसे लोगों में नहीं रह सकता। बहुत अच्छी बात है, तुम जैसे ज़र्फ़ और किरदार वाले लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं। अल्लाह तुम्हारा हाफिज़ हो।